नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पॉप्स एंड प्लांट्स पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत एरेनियम खिल रहे हैं इसमें, कितने सारे एक ही ये प्लांट है, इसमें ढेर सारे फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये जो प्लांट हमारे सामने रखा हुआ है करी पत्ते का, ये दो प्लांट है मेरे पास, और आज इसी की केयर के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसकी केयर कर सकते हैं ताकि ये खूब हरा भरा और घना रहे। और ये एक ऐसा प्लांट हो गया है आजकल कि हर घर में इसकी आवश्यकता है। हम बहुत सारे अपने फूड मटेरियल में इसको मिलाते हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है, और मतलब हमारे खाने में, हमारी किचन में भी इसका उपयोग है। उसके अलावा और दूसरी मेडिसिन में भी हम इसका उपयोग करते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो है ही है, और किचन के अलावा भी कई सारे कामों में आता है, तो फिर हमारे घर में ये होना ही चाहिए। ये करी पत्ता, जिसे हम मीठी नीम भी कहते हैं, ये इसको इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक। हालांकि ये पेरेनियल प्लांट है, एक बार लगा लीजिए तो ये सालों साल बना रहता है, और ये बिल्कुल एक पूरे पेड़ की तरह नीम की इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी ग्रोथ ले लेता है और काफ़ी बड़ा सा ये पेड़ सा बन जाता है। तो लेकिन हम जब अपने टेरेस गार्डन में तो इतना बड़ा नहीं हो पाता, हम अपने गमले में गार्डनिंग करते हैं तो उसकी थोड़ा सा देखभाल दूसरी तरह से हो जाती है। तो फिर ग्रोइंग सीज़न इसका फरवरी टू अक्टूबर नवंबर है, और जाड़ों में थोड़ा सा इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, और फिर जैसे ही फरवरी आती है वैसे ही इसमें नई नई ब्रांचेस निकलने लगती है, इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है, और फिर इस तरह से फिर इसमें एक अच्छी सी ग्रोथ होने लगती है। तो अब अगर इसकी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, तो इसलिए आप जो भी सॉइल लें उसमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट, और 1/3 आप इस पर सैंड मिला लीजिए। और अगर सैंड कम है तो मैं सैंड की जगह पर कई बार इसमें राइस हस्क मिला लेती हूँ ताकि मिट्टी पोरस बनी रहे और इसकी जड़ खूब अच्छी तरह से फैले, और जितनी अच्छी तरह से जड़ फैलेंगी उतना ही ये प्लांट ग्रोथ करेगा, ये तो हम सबको ही पता है। तो उसकी ग्रोथ के लिए राइस हस्क भी आप मिला सकते हैं, बहुत लोग इसमें कोकोपीट भी मिला लेते हैं मिट्टी को हल्का करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, राइस हस्क, कोकोपीट या सैंड, जिस तरह से भी आप चाहे, मतलब वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अब अगर इसके सनलाइट की बात करते हैं तो ये गर्मियों का पौधा है, लेकिन इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप और शाम की 2-3 घंटे की धूप चाहिए, जो अच्छी इसकी ग्रोथ के लिए बेटर है। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको मतलब कुल मिला के 5-6 घंटे की धूप मिलती रहे, और अगर बहुत ज़्यादा धूप आती है थोड़ा इसका शेडी प्लेस में कर दें, नहीं तो पत्तियाँ क्या होते हैं इसके कई बार झुलसने लगती हैं ऐसे, जिस तरह से इस बार बहुत गर्मी पड़ी थी तो मेरे सारे प्लांट्स, उसमें सारी पत्तियाँ इसकी सूखने लगी थी। अब ये बारिश के बाद ये नई ग्रोथ इसमें हुई है। तो अब वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसको चाहिए, पानी तो चाहिए चाहिए, गर्मी का पौधा है, लेकिन इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, तो ऐसा आप पानी डालिए कि पानी निकल जाए और स्टैग्नेट ना हो। अब अगर इसकी बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो जब हम इसको लगाते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम इसमें कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, कोई भी मिला के आप लगा दीजिए, और फिर इसको हर महीने 1.5 महीने पर आप इसमें फिर से एक एक मुट्ठी, दो दो मुट्ठी, जैसा पॉट साइज़ हो उसके हिसाब से आप इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। और साथ साथ एक और बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो खाद का भी काम करेगी, और एक ऐसी किचन में की चीज़ है जो आपको बाद में बताऊंगी वीडियो के अंत में, तो अंत तक बिल्कुल बने रहिए। अब अगर इसके पॉट साइज़ की बात करते हैं तो इसको आप अगर 12 से 14 इंच के गमले में लगाते हैं तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जब प्लांट छोटा होता है तो आप इसको 7-8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, और जैसे बड़े आपका प्लांट बड़ा हो जाता है आप इसको उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं तैयार प्लांट, तो कितने छोटे छोटे पॉट्स में या पॉलीथीन बैग में ये तैयार कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्लांट आपका बड़ा होता जाए आप बड़े पॉट में शिफ्ट करते जाइए। इसके बाद बात आती है इसमें इसका प्रोपोगेशन कैसे करें, तो इसमें फ्रेंड्स
फरवरी मार्च में इसमें जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जैसे नीम के पौधे में, नीम के पेड़ पे निमौरी निकलती है उसी तरह से इसमें है भी, मीठी नीम है ये तो, नीम की तरह से निमौरी निकलती है। और एक सूखी निमौरी लेकर जो गिर जाती है आप उसको इसको लगा देंगे तो फिर ये आराम से उग जाता है। उसके अलावा कई बार इसमें एयर लेयरिंग करके भी प्लांट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको घर में ही एक बड़ा प्लांट चाहिए। तो अगर बड़ा प्लांट है तो शायद आपको छोटे प्लांट को लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और उससे आसानी से बीज से उग जाता है। तो बीज वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है। और एक बात और बताऊँ आपको, कई बार मैंने पीछे एक लगाया था तो जब ये पेड़ थोड़ा आपका एक 1.5 साल पुराना हो जाता है तो मैंने देखा इसमें फरवरी मार्च में नई नई ब्रांचेस जड़ से निकलने लगती हैं, और आप देखेंगे इसके गमले के मेरे पास कई सारी निकल आई थी छोटे छोटे करी पत्ते के प्लांट्स। तो फिर मैं उनको खोद के वहाँ से जड़ सहित उनको निकाल कर ट्रांसफ़र करके अलग से लगा दिया था। लेकिन ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है क्योंकि हर एक में नहीं होता है, ये मैं एक ले आई थी उसी में ऐसा हुआ था। तो अगर आपके पास कोई वैसी वैरायटी है या कहीं से आपको ऐसा मिलता है तो आप उसमें से भी एक प्लांट निकाल के उसको सेपरेट करके एक आप नया पौधा बना सकते हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो जिसका प्लांट बनता है वो है सीड से। और इन्फेस्टेशन की बात करें तो वैसे तो ये है एक मेडिसिनल प्लांट, और लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें इंसेक्ट अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप इसमें नीम ऑयल का रेगुलरली इस्तेमाल करते रहें तो कोई इंसेक्ट वगैरह इसमें नहीं आएंगे। अब जो एक टिप है, आप इसको घना करने के लिए जो जब आप पौधा लाते हैं तो उसकी एक ब्रांच होती है तो उसको ऊपर से आप पिंच कर दीजिए। मैंने भी इसको देखिए ये पिंच किया था, और फिर एक पिंच करने के बाद फिर दो ब्रांच निकली, और फिर दो ब्रांच भी जब थोड़ी बड़ी हो गई है तो ये देखिए मैंने इस यहाँ से पिंच कर दिया है, अब इसमें से फिर से दो दो ब्रांच निकलेंगी। तो इस तरह से ये प्लांट हमारा और ज़्यादा बुशी हो जाएगा, और फिर उसी तरह से उसके आगे आने वाले भी जो थोड़ा वो भी दो ब्रांच निकल आएंगे तो फिर मैं उसको भी पिंच कर दूंगी। तो इस तरह से एक से दो, दो के चार, चार के आठ, इस तरह से इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी। तो टिप में ये भी शामिल है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, करी पत्ते का इस्तेमाल करें, तो आपके पास अगर थोड़ा सा इस तरह से प्लांट तैयार है तो वो नीचे की बजाय ऊपर टिप आप तोड़ें ताकि उसमें दो दो ब्रांचेस निकलती जाएं, उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएं। और दूसरी टिप इसको और घना करने के लिए, आप एक चम्मच खट्टी दही, बिल्कुल खट्टी दही जो आपके घर में बिल्कुल बेकार हो, इससे कढ़ी वड़ी बनाने के लिए हम खट्टा करते हैं, या रख दिया हो आप भूल गए हो, और एक चम्मच दही को आप 1 लीटर पानी में उसको मिला लीजिए, और मिलाने के बाद उसको 6-7 दिन उसको और अच्छी तरह से उसको फर्मेंट होने दीजिए, और ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने दीजिए, और फिर उस पानी को वो एक बहुत अच्छी खाद का काम करेगा, और हमारा ये जो प्लांट है और ज़्यादा बुशी ग्रीनरी उससे बढ़ेगी और बहुत अच्छा एक प्लांट तैयार हो जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो उस पानी को आप इस पौधे में 100 ग्राम 200 ग्राम ml जो भी है आपके पॉट साइज़ के हिसाब से, प्लांट साइज़ के हिसाब से आप उसको दे दीजिए, और आप उसी का फोलियर स्प्रे भी कर दीजिए ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह इसके पास ही न फटके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करी पत्ते को आप लगाकर उसको देखभाल करके आपके घर में इसको बिल्कुल उगाइए। एक मेडिसिनल प्लांट है, किचन में काम आने वाला प्लांट है, और बहुत अच्छा, देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।